नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ हैं, ये बात करते हैं। सर, बिजली बिल 2 महीने का आ रहा है हरियाणा में, क्या इसको 1 महीना करने की प्लानिंग चल रही है? बिल्कुल, ये सोच रखा है हमने और इसे करने जा रहे हैं जी। फंडामेंटली हमने तय कर लिया, बस इसे इम्प्लीमेंट करना है। आप समझो कि हो ही गया। इसका क्या बेनिफिट उपभोक्ता के लिए मानते हैं? और आप आम गरीब आदमी है, सर्विस पेशे वाले जो लोग हैं उन्हें दिक्कत नहीं आई? 2 महीने का इकट्ठा बिल बाई चांस किसी से नहीं भरा जाए तो अगले 4 महीने तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उसका कर रहे हैं कि आम लोगों को इसका फ़ायदा हो और बहुत सिंप्लीफाई करें ताकि लोग महीने के महीने बिल पे करें, उन्हें सरचार्ज बढ़ के बिल ना जाए। एक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में फ्री बिजली दे रही है, दिल्ली में फ्री बिजली दे रही है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी मानते हैं कि इसका फ़ायदा जो है उपभोक्ता को होगा, क्योंकि जब एक स्लैब ज़्यादा हो जाता है तो बिजली बिल ज़्यादा आता है। देखिए, किसी भी स्टेट में नहीं हो रहा ये, उन्होंने पंजाब में एक सोसा छोड़ा है जिसका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। हम देखिए, 8 साल में हमने कोई बिजली का रेट नहीं बढ़ाया, ये सबसे बढ़िया बात है, लोगों को रिलीफ है। डीजल के रेट बढ़ गए, हर चीज़ का, हर प्रोडक्ट का रेट पहले से 8 साल में दुगना हो गया, पर हमारा बिजली का रेट वही है। ये हमारे उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है। और अभी फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है, कभी कोई टाइम आएगा तो देखिए, आदमी कभी भी कोई फैसला ले सकता है। पर मैं ये समझता हूँ कि ये ना पार्टी, ना सरकार के हित में है, ना लोगों के हित में है, वो ही करना चाहिए जो चल सकने की बात हो। पिछले दिनों आपने कई जगह छापेमारी की थी, क्या रिकवरी आई है और क्या इसके बाद भी ऐसी कोई प्लानिंग है? देखिए, हमने पिछले 3 साल में 7 बार पूरे हरियाणा में साइमल्टेनियसली रेड करे हैं। इसका में ये फ़ायदा हुआ कि लाइन लोस जो था बहुत नीचे आ गया, 13% पे आ गया। हमारा जो घाटा था 37 करोड़ का, वो जाकर आज हम प्रॉफिट में आ रहे हैं। हमारा इस साल ही 2000 करोड़ रुपया रेवेन्यू बढ़ा है जी। तो हमें इसका फ़ायदा हो रहा है और चोरी जो है लोग आहिस्ता आहिस्ता बंद करते जा रहे हैं। इतनी बड़ी स्टेट है, उसमें एकदम तो सब नहीं हो सकता। कर लो, पड़ोसी चोरी करता है, फिर कोई दूसरे घर में बराबर मीटर दे के चला रहा है, कई चीज़ें हैं जो करनी है, पर इसमें काफ़ी हमारा पहले से कम हो रहा है। एक पॉलिटिकल सवाल है सर, हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी कर रही है, जोर जोर से जुटी हुई है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, आप कैसे देखते हैं, इससे कोई कांग्रेस को फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस एक बराबर सेकंड पार्टी है हमारे, उनके 30 MLA हैं आज भी जी। दिल्ली के नज़दीक है तो भीड़ भूड़ तो कर लेंगे, वो भीड़ का कोई मतलब नहीं होता। जब चुनाव आता है तो 10 की 10 लोकसभा हम जीत गए, जब फिर चुनाव आएगा 10 की 10 लोकसभा हम फिर जीत जाएंगे। विधानसभा आती है तो फिर मेजोरिटी हमारी आती है, बराबर 10 साल से तो हो गए कांग्रेस को देखते, फिर सरकार बन जाएगी। इसमें कोई आने जाने से रैली हम कितनी बड़ी कर लें, छोटी कर लें, ये तो चलता रहता है, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। सब जन डेमोक्रेसी हो गए, हर पार्टी अपने सिस्टम से अपनी बात को लोगों में पहुंचाने के लिए हर प्रयास करती है। अरविंद शर्मा ने कल कहा कि अगला मुख्यमंत्री हरियाणा का ब्राह्मण समाज से होना चाहिए, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, कभी भी किसी पार्टी में ये देख के नहीं हुआ कि ब्राह्मण बने, पंजाबी बने, जाट बने या गुजर अहीर बने, ये फैसले पार्टी हाईकमांड करता है, उन्हीं का करने को होता है। अब वहाँ मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, ये जो पटेल साहब हैं ये कौन है? इससे पहले जो दूसरे मुख्यमंत्री थे कौन है? जाति बिरादरी थोड़ी देखी जाती है बिहार में, ना जो हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, आपने किसी ने जाति बताई उनकी क्या जाति है? ये हमारी मानसिकता है कि हम अपने तरीके से इंडिविजुअल, अपना अपना ओपिनियन है, उन्होंने अपनी भीड़ देख के वो कह दिया होगा, मैं नहीं मानता इन बातों का कोई आधार होता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मेरे साथ है, कई मुद्दों पर बात की। मैं हूँ देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।